हेलो एवरीवन, मैं सर आशीष वर्मा, आई एम फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। ऑन माय प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बट इन दैट केस द प्रोग्राम इज इन सिंपल एंड सोबर फॉर्मेट। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, और उसके लिए हमने एज वी डू जैसे हम करते रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉर्नियो डॉट एच ले लिया, क्लास एक्स वाई जेड ले लिया, इंटीजर ए बी सी डी ई और एफ ले लिया। पता नहीं कितने यूज़ होने, फॉर द टाइमिंग मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया। सबसे पहले मैं num1 लेके चलता हूँ, फिर मुझे क्या चाहिए, हमने num2 लिया, फिर मुझे यहाँ पर शो चाहिए, देन यहाँ पर हमने show1 किया, यहाँ पर हमें ऑपरेटर लेना है प्लस का, यहाँ पर एक लाइन नाम का फंक्शन कॉल किया। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा, फॉर्मेट में बनाऊँगा, यहाँ पर एक और एक L1 का फंक्शन मैंने कॉल किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया अपना void एक्स वाई जेड के अंदर num किया, सी आउट एंटर एंड एंटर फर्स्ट नंबर को भी पहला नंबर आप एंटर कीजिए, सी इन आपने इसको ए में दे दिया, सी आउट एंटर सेकेंड नंबर सीन बी में ले लिया, अब हमने यहाँ पे लिया वाइट एक्स वाई जेड के अंदर num1 ले लिया, सी आउट एंटर यहाँ दे दिया फर्स्ट वैल्यू, कुछ अलग मैसेज अलग प्रोसेसिंग, हमने इसको सी में डाल दिया, सी आउट न्यू लाइन में एंटर सेकंड वैल्यू, सी इन डी में डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, void xyz के अंदर शो करना है, सी आउट वैल्यूज, आपकी जो वैल्यूज हैं आप वो शो कीजिए। तो आपने यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए के सामने ए दिखा दी न्यू लाइन में, देन बी इज इक्वल टू बी के सामने बी की वैल्यू शो करी, यहाँ पर आए एक्स वाई जेड में आपने यहाँ पर show1 ले लिया। आपने इसको माय को छोड़ दीजिए, स्टार्ट वैल्यू कर लीजिए, और मैंने यहाँ पर इसको दे दिया स्टेप वैल्यू,
आपने सी आउट किया, सी इज इक्वल टू सी ले लिया न्यू लाइन में, डी इज इक्वल टू डी ले लिया। यहाँ पर आपने क्या किया, एक्स वाई जेड के अंदर ऑपरेटर हमने यहाँ पे ले लिया, ई इज इक्वल टू ए प्लस सी कर दिया, एफ इज इक्वल टू बी प्लस डी कर दिया। अब मुझे फाइनल वैल्यू भी तो चाहिए, वर्ड एक्स वाई जेड के अंदर शो टू कर दिया। आपने न्यू लाइन फाइनल वैल्यूज सी आउट, आपने यहाँ पर ई के सामने ए की वैल्यू शो करी है और एफ इज इक्वल टू एफ के सामने आपने एफ की वैल्यू शो करी। अब जो हमने ऊपर लाइन का कहा था, एक लाइन है और एक एल वन वाइड एक्स वाई जेड के अंदर हमने एक लाइन का जो मैसेज कहा था सी आउट, हमने न्यू लाइन ली और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड लिया और एक एल वन सी आउट प्रेस एन की टू सीधा रिजल्ट। यहाँ पर हमने इस चीज़ को गेट सी एच किया और स्क्रीन क्लियर कर दिया। यहाँ पे आप आए तो इस जगह के ऊपर आपने क्या किया, वाइड मैंने मेन ले लिया। मेरी एक्स वाई जेड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्यू ले लिया, स्क्रीन को क्लियर किया। क्यू के अंदर सबसे पहले आपने नम को कॉल किया, क्यू के अंदर नम वन को कॉल किया, उसके बाद क्यू के अंदर एल वन को कॉल कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, लाइन को तो कॉल कर दिया, लाइन ऊपर आ गई, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, शो चाहिए, राइट। क्यू डॉट मुझे शो वन चाहिए, फिर मेरे पास प्लस का ऑपरेटर था क्यू, उसके बाद फाइनल वैल्यू शो टू चाहिए। यहाँ पर आपने गेट सी एच किया और बंद किया, ऊपर गए शो टू मेरे पास नहीं है, हम जरा इसको कर दें, शो टू किया। अब आपके पास यहाँ पर आपको एक एरर दे रहा है और एरर वो है अनडिफाइंड सिंबल मेन, ऑल्ट F3 कीजिए। हमारे पास कहीं मेन के स्पेलिंग गलत हमने कर दिए, कंट्रोल F9। देखिए आपकी फर्स्ट वैल्यू 3 और 4 दी, स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पर 9 कर दी और यहाँ पर 20 कर दी, आ गई। अगर आप इसको बीच में लाइंस चाहते हैं तो हमने लाइन को भी कॉल करते हैं। देखिए आपने जो मेरा रिजल्ट था, मैं आपको रिजल्ट एक बार दिखाता हूँ, फाइनल रिजल्ट मेरे पास जो था, लाइन मेरे पास कहीं पे भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो लाइन है शो से पहले क्यू डॉट हमने लाइन को कॉल कर दिया, शो वन के बाद आपने क्यू डॉट अगेन लाइन को कॉल कर लिया। यहाँ पर Q डॉट हमने लाइन को कॉल किया, यहाँ पर लाइन को कॉल किया और लास्ट में भी आपने लाइन को कॉल कर दिया। यानी हर चीज़ को हमने डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर बनाया है, ये लीजिए।
फाइनल रिजल्ट से पहले दो बार आ गया है, क्योंकि एक तो ऑपरेटर से पहले थी, एक तो ऑपरेटर के बाद थी। देखिए इसको यहाँ से अभिषेक आप हटा दीजिए, कंट्रोल आपने F9 किया, ये लीजिए आपका फाइनल रिजल्ट इसके थ्रू हो गया। क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत मायने रखती है। सिंपल तरीके से मैं कराऊंगा, जिसके अंदर इतने सारे फंक्शंस नहीं है, एक ही ऑपरेटर से आप सब एक या दो फंक्शंस के थ्रू आप काम कर सकते हैं, इतने सारे लेने की भी जरूरत नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत मैंने आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल में सिखाया था। सो अगेन एंड अगेन डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन सामने वाला आपको किसी भी फॉर्मेट में कह सकता है, डजेंट मैटर वो आपने किया है नहीं किया, कभी देखा है नहीं देखा, उससे कुछ लेना देना उस एग्जामिनर का नहीं होगा, या फिर जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सो कीप प्रैक्टिस ऑन इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।